नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई वीए से रिलेटेड। हाँ जी हाँ साथियों, पूरी दुबई के बारे में हम वीए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड के आंकड़े वीए में बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है एवरेज अगर देखा जाए तो 3,000-4,000 आंकड़े अभी निकल के आ रहे हैं। हालांकि वीए ने कहा है कि भाई वहां पे लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे आधे लोगों को जो डोज है कोरोना को वो लग चुका है, कंट्रोल कर लिया जाएगा, मार्च तक उम्मीद है ये ऐसा लगाया जा रहा है। लेकिन अचानक से आंकड़े बढ़ने लगे वीए में, आप सबको बताइए इंडिया में भी बढ़ने लगे। इसलिए जैसे ओमान की बात करें तो फ्लाइटें बंद कर दी, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे। वीए ने भी, वीए के आपको पता है 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तीनों एयरपोर्ट में बात करेंगे, अबू धाबी का, दुबई का और शारजा का। जी हाँ साथियों, तीनों एयरपोर्ट के अलग अलग नियम बनाए गए हैं वहां की सरकार के द्वारा। आपको अगर आप यहां जाते हैं यूएई में, दुबई में, अलग अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में एयरपोर्ट के माध्यम से, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये वीडियो आपके लिए जरूरी है देखना, और लोगों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी आप सब लोगों को पता लगे कि वहां जाने के बाद आपको वापस लौटना पड़े या अगर गलती कर देते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़े। इसलिए ये जानकारी आपको फैक्ट जानकारी रखना जरूरी है। तो हम बात करेंगे वीए से रिलेटेड, क्वारंटाइन से रिलेटेड बात करेंगे, पीसीआर रिपोर्ट नियम से रिलेटेड बात करेंगे कि सरकार ने तीनों एयरपोर्ट हैं उनके अलग अलग नियम जो हैं उनकी कोरोना से रिलेटेड जो भी बनाए हैं वो आपको जानना जरूरी है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अबू धाबी से रिलेटेड। जी हाँ, अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है बता दूं, उसमें कुछ कंडीशन रखी गई है कि किन लोगों को क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आप ग्रीन देशों से आ रहे हैं, ग्रीन देशों का मतलब समझते हैं जहां पे कोरोना कंट्रोल में है और उनको हाई रिस्क लेवल के देश नहीं माने जाते, उन देशों के यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अबू धाबी की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, सीधे वो रिपोर्ट उनको भी लेके आनी है, रिपोर्ट लेके आएंगे सीधा वो एयरपोर्ट क्रॉस करके अपने काम के लिए जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई, लेकिन शर्त आगे मैं बता दूं, शर्त क्या रहेगी, उनको 6 दिन से कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। अबू धाबी में जा रहे हैं तो की बात कर रहा हूं, 6 डेज के बाद में क्वारंटाइन कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उनको कराना पड़ेगा 12 दिन से। जी हाँ साथियों, यानी 12 दिन में 2 क्वारंटाइन उनको, जो 2 कोविड टेस्ट हैं वो उनको करवाने जरूरी हैं। जी हाँ, वहां की सरकार ने साफ बोल दिया है, आप एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद भी करवाना पड़ेगा। जी आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई रेड कंट्री कौन सी है, रेड कंट्री जैसे इंडिया है उसको रेड कंट्री में डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ कोरोना के केस हालांकि अपने हिसाब से कम है लेकिन उनके हिसाब से कम नहीं है। जी हाँ, उन देशों के यात्री अगर आते हैं तो उनको घरों में या होटलों में 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और मेडिकल अधिकारियों द्वारा क्लाइबैंड एक घड़ी का टाइप होता है वो देनी होगी, जिससे आपकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी कि आपको अगर आप 10 दिन घर के बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, प्लस आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हाँ, कोविड रिपोर्ट की बात करें, भाई कोविड रिपोर्ट 96 आवर्स मान्य है। जी हाँ, आप उधर भी जा रहे हैं तो 96 घंटे की आपके पास कोविड रिपोर्ट हो सकती है, तो कोई दिक्कत आपके नहीं आने वाली। एयरपोर्ट पे आपको टेस्ट होगा। जी हाँ साथियों, एयरपोर्ट पे 100% आपका टेस्ट होने वाला है निकलने से पहले। अब वीए के जो नागरिक है जो अलग अलग देशों में रहते हैं वो जाते हैं तो वीए की जो अबू धाबी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी उनको भी एंट्री मिलेगी। यात्री जैसे और देशों के, जैसे इंडिया के लोग जा रहे हैं वहां पे, तो अबू धाबी जाने के लिए भैया अबू धाबी का वीजा होना चाहिए, ये बात नोट कर ले, दुबई का वीजा मान्य नहीं करेंगे। जी हाँ, ये साफ साफ वहां के जो नियम बनाए हैं उसमें ये बातें बताई गई है, वीजा अबू धाबी जा रहे हैं अबू धाबी का होना चाहिए, ये बात अभी लेटेस्ट में निकल के आई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। अल हसन जो आपका, आपको पता है वहां पे एक ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। जी हाँ, ये अबू धाबी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं दुबई एयरपोर्ट से रिलेटेड की भी दुबई की सरकार ने सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, आपको पता है दुबई पे लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक वहीं जाती है, तो वहां की सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, कौन सी कंडीशन रखी है, किस कंडीशन के आधार पर आपको एंट्री मिलेगी अंदर जाने के लिए, तो डिटेल से जान लेते हैं। दुबई से रिलेटेड हम बात करें तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो कोविड रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। कोविड रिपोर्ट 96 आवर्स की जगह 72 आवर्स ही वैलिड है। दुबई ने पहले आपको बताया 96 आवर्स था, लेकिन अभी सरकार ने कम कर दिया भाई, 72 घंटे का ही समय आपके पास मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपके पास हिंदी, अंग्रेजी में या अरबी में लिखा हुआ, हिंदी भी वैलिड नहीं है, हस्तलिखित यानी हाथ से बनाई गई कोरोना की रिपोर्ट मान्य नहीं की जाएगी, एयरपोर्ट से रिटर्न हो सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर की मोहर आईसीएमआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आप सबको पता ही होगा।
12 साल तक के, जी हाँ साथियों 12 साल तक का कोई बच्चा है उसकी कोरोना की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है अगर आपके साथ में जाता है तो। और बता दूं गंभीर विकलांग है उसको भी कोरोना में छूट दी गई है, ये अच्छी बात है। जी हाँ अगर यूएई का कोई आदमी, जैसे दुबई का आदमी अगर दुबई में जा रहा है जैसे इंडिया से दूसरे देशों से, तो उसको पीसीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीएक्सी पे जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर उसका जो कोविड टेस्ट है हो जाएगा। जी आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, एयरपोर्ट से आपको अथॉरिटी जो वीजा वाले हैं उसको आईसीए से आपको रजिस्टर्ड आपको पहले करवा लेना चाहिए, अप्रूवल ले लेना चाहिए, उसके बाद ही आप जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ अभी के नियम है थोड़ा चेंज कर दिए बीच सरकार ने, इसका ध्यान रखिए। कोविड रिपोर्ट आपको जो कोविड 19 डीएक्सपी ऐप है वो डाउनलोड आपके मोबाइल में होना चाहिए अगर आप दुबई जा रहे हैं तो। जी हाँ ये ज्यादा तो कुछ नहीं है दुबई के लिए, लेकिन ये कुछ कंडीशन है मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं शारजा से रिलेटेड, शारजा के जो कोविड, शारजा एयरपोर्ट अगर आप जा रहे हैं शारजा में घुसेंगे जाएंगे तो कोविड 19 जो रिपोर्ट वहां के जो नियम बनाए गए हैं उससे आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई शारजा में भी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो 96 आवर्स वैलिड है। जी हाँ ये आपके लिए अच्छी न्यूज है, एयरपोर्ट पे 96 आवर्स तक आप चल जाएगी, दुबई को छोड़ के अबुधाबी में और शारजा में 96 आवर्स ही वैलिड है। रिपोर्ट आने तक आपको क्वारंटाइन रहना होगा। अगर आप वहां जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, आपको पता है एयरपोर्ट पर भी आपका मेडिकल होता है, लेकिन जब तक रिपोर्ट लगभग 24 घंटे में आ जाती है, 24 घंटे आपको अंदर रहना पड़ता है, ये तो आपको सबको पता ही होता है। खुदा ना खास्ता अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो तो 14 दिन के लिए आपको अपने खर्चे के ऊपर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये शारजा का भैया थोड़ा माइनस पॉइंट मान सकते हो, बाय चांस इंडिया से आप गए आपको कुछ नहीं दिक्कत, अगर थोड़ी सी आगे पॉजिटिव हो गए तो 14 दिन तक आपको अपने खर्चे पे वहां पे रहना पड़ेगा। जी हाँ लोकल जो सऊदी के लोग हैं वो अगर दुबई जाते तो उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ सतयु वो आराम से जा सकते हैं। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपके पास अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है, लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल स्वास्थ्य बीमा अलग होता है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अलग होता है, जो आप विजिट वीजा लेते हो उसके साथ में आ जाता है, सबको पता ही होता है। जी हाँ आपको बता दूं वी में आपका पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें, शारजा अगर आप जा रहे हैं तो वी का मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। आप बोल सकते हो कि भाई वी का नंबर हम कहां से लें, हम तो पहली बार जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ये कि सिम कार्ड आपको वहां पे एयरपोर्ट पे जहां पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है रिपोर्ट कोरोना की पीसीआर हो टेस्ट होगा वहां पर आपको सिम कार्ड आप ले सकते हैं, उसका चार्ज वगैरह कितना रहेगा वो अलग मैटर है, उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये सब चीजें थी मैंने आपको दुबई से रिलेटेड बताई हैं, शारजा से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड और अबू धाबी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जिसमें आपको ध्यान में रखते हुए आपको जाना चाहिए। और दुबई वाले भाई खास तौर से ध्यान में रख लें कि आईसीए से अप्रूवल लेके ही जाएं, कब पता चले कि यहां से जा रहे हो कंपनी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया या आपको अप्रूवल नहीं मिला तो आपको एयरपोर्ट पे दिक्कत आ सकती है। ये अभी वापस नियम बनाए हैं, अब फरवरी 2022 के करीब की मैं बता रहा हूँ ये नियम, हो सकता है ये अब मार्च में हट जाए वो एक अलग मैटर रहेगा। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई यूएई में कोरोना पीसीआर टेस्ट रिलेटेड कुछ एयरपोर्ट नियम बनाए गए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप भी अगर चाहें तो दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।